एक बार फिर आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियाद पर दरख्वास्त जमानत की समाअत जारी है। एमएस सर्विसेज हस्पताल डॉक्टर सलीम ने अदालत में बयान दिया है कि नवाज शरीफ को हस्पताल रखेंगे, फिलहाल सफ़र की इजाज़त नहीं दी जा सकती। प्लेटलेट्स कम होने से ब्लीडिंग का चांस बढ़ जाता है। कहा कि हम नवाज शरीफ से हर चीज़ डिस्कस करते हैं, अभी तक नवाज शरीफ ने हमें नहीं कहा कि किसी दूसरे डॉक्टर को बुलाया जाए। हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन बताएगा इस वक्त समाअत की ताज़ा तीन अपडेट्स क्या हैं आपके पास? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत जो है वो आप पीर तक मुलतवी कर दी गई है। जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से ये कहा गया है कि नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक तफसीली मेडिकल रिपोर्ट जो है वो पेश की जाए पीर को। इसके अलावा जो डॉक्टर थे उनका ये कहना था कि पीर को इलाज का 5 दिन का साइकिल जो है वो मुकम्मल हो रहा है, जिसके बाद बेहतर अंदाज में रिपोर्ट देने की पोजिशन में होंगे। जिसके बाद अदालत ने अब नवाज शरीफ की जो जमानत की जो दरख्वास्त थी उस पर पीर तक के लिए जो है वो ये केस मुलतवी कर दिया गया है, और जो सेहत से मुतल्लिक तफसीली मेडिकल रिपोर्ट है नवाज शरीफ की वो अदालत ने जो है वो तलब कर लिया है, जिस पर डॉक्टर का भी ये कहना था कि पीर को जो है वो 5 दिन हो जाएंगे तो उस दिन जो है वो बेहतर अंदाज में जो है वो रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी कि जो नवाज शरीफ की सेहत है उसमें कितनी पेशरफ्त हुई है। तो ताहम अब नवाज शरीफ की जो जमानत की दरख्वास्त पर समाअत थी वो पीर तक के लिए जो है वो मुलतवी कर दी गई है, और जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक तफसीली मेडिकल रिपोर्ट जो है वो पीर को तलब कर ली है। जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियाद पर दरख्वास्त जमानत की समाअत जारी थी और इस समाअत को पीर तक मुलतवी कर दिया गया है। 28 अक्टूबर को अदालत ने हुक्म दिया है कि नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक तफसीली रिपोर्ट पेश की जाए। हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन, 28 अक्टूबर पीर के रोज तक ये समाअत मुलतवी हुई, अदालत ने मजीद क्या डायरेक्टिव्स दिए हैं? जी बिल्कुल, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज जो है वो तफसीली जो है वो इस केस पर समाअत की है। आज स्पेशल डिवीजन बेंच जो है वो आज के लिए ये तैनात किया गया था, चूंकि जुमे के रोज डिवीजन बेंच जो है वो अवेलेबल नहीं होता था। हम गुज़श्ता रोज ख्वाजा हारिस की जानिब से ये सदा की गई थी कि नवाज शरीफ की हालत जो है वो काफी सीरियस है और काफी खतरनाक है, इसलिए जुमे को जो है वो समाअत की जाए। जिसके बाद जस्टिस आमिर फारूक ने ख्वाजा हारिस की जो दरख्वास्त थी वो मंजूर की थी, और आज इस केस पर जो है वो स्पेशल जो है वो स्पेशल डिवीजन बेंच जो है वो तैनात किया गया, जिसके बाद आज उन्होंने समाअत की। सबसे पहले जो मेडिकल रिपोर्ट थी वो अदालत में पेश की गई, जिस पर डॉक्टर का ये कहना था कि नवाज शरीफ के जो प्लेटलेट्स हैं वो 20,000 हैं, 20,000 से जो है वो जब तक ज्यादा नहीं होंगे, 50,000 तक ना हो उस वक्त तक नवाज शरीफ जो है वो सफर नहीं कर सकते, लिहाजा उन्हें हस्पताल में रखा जाए। एडिशनल एडवोकेट चौधरी फैसल जो कि पंजाब के से नुमाइंदे थे वो अदालत में पेश हुए, और उनका ये कहना था कि हमें गुज़श्ता रोज जो है वो नोटिस किया गया था, जिस पर अदालती हुक्म पर हम अदालत में पेश हुए हैं। इसके अलावा डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नायब सरदार मुजफ्फर अब्बासी अदालत में पेश हुए, उनका ये कहना था कि इस केस में चूंकि मेडिकल ग्राउंड पर सारी चीजें सामने आई हैं लिहाजा नायब को ये नोटिस नहीं किया गया, तो हम अगर पेश हुए तो हम ये सही। हुसैन आप हमारे साथ ही रहेगा, हमारे साथ फयाज महमूद भी ने भी हमें ज्वाइन किया है। फयाज महमूद बताएगा समाअत कब तक मुलतवी की गई है? जी मंगल तक ये समाअत मुलतवी कर दी गई है, और इसमें जो अहकाम सामने आए हैं उसमें जो 9 रुकनी मेडिकल बोर्ड है उसके हवाले से अदालत ने अहकाम जारी किए हैं कि वो एक तफसीली रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करें। और क्योंकि ख्वाजा हारिस की जाने से मौकफ दिया गया था कि नवाज शरीफ के जाती मालिज एक तवील अरसे से उनके साथ मुंसलिक हैं और वो उनका इलाज करते हैं, तो बेहतर होगा कि उनकी राय भी ले ली जाए। जिसके बाद अदालत ने डॉक्टर अदनान को भी तलब कर लिया है और अहकाम जारी किए हैं कि मंगल को वो अदालत के सामने पेश हो और साथ वो अपनी जो तहरीरी तौर पर एक रिपोर्ट तैयार करें, वो डॉक्टर से मुशावरत कर लें जो 9 रुकनी मेडिकल बोर्ड नवाज शरीफ का इलाज कर रहा है सर्विसेज अस्पताल में, वो भी एक तफसीली रिपोर्ट तैयार करें। उन्होंने कहा कि क्योंकि ये मामला कानूनी नहीं है बल्कि मेडिकल ग्राउंड्स पे ये सस्पेंशन मांगी गई है, तो हम भी समझना चाहते हैं कि आया कि नवाज शरीफ को जो इलाज की दस्तियाब सहूलियात हैं वो दुनिया भर की तरह बेहतरीन हैं या नहीं, क्योंकि हम नहीं जानते कि ये टर्मिनोलॉजीज क्या है, बल्कि जो रिपोर्ट पेश की जाएगी उसमें हमें वाज़ह तौर पे लिखा जाए, आसान अल्फाज में हमें समझाया जाए कि नवाज शरीफ की जो बीमारियां हैं उनकी नौइयत क्या है, उसके के क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, क्या उनकी सिचुएशन क्रिटिकल है। तो अदालत में जो बयान दिया गया डॉक्टर्स की जाने से आज, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की सिचुएशन तो क्रिटिकल है, अगर उनको इलाज नहीं दिया जाता प्रॉपर या बेहतरीन इलाज की सहूलियात नहीं दी जाती तो उनकी ये बीमारियां जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। एक सवाल पर जब उनसे पूछा गया कि नवाज शरीफ को क्या ट्रैवल करने की इजाजत दी जा सकती है, तो
अदालत ने कहा कि जिस पर डॉक्टर जो सलीम सर्विसेज अस्पताल के एमएस हैं, उन्होंने अदालत में बयान दिया कि फौरी तौर पर नवाज शरीफ को ट्रैवल करने की इजाजत भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि उनके जो ब्लड टेस्ट हैं वो बढ़ते हैं और अचानक से कम हो जाते हैं। ये भी अदालत में जब रिपोर्ट पेश की गई उसमें बताया गया कि नवाज शरीफ की जो सिचुएशन है इसमें कोई शक नहीं है कि वो इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन है, तो इसमें उनका जो इलाज किया जा रहा है वो बेहतरीन सहूलियात उनको दी जा रही हैं। डॉक्टर्स ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ को मुकम्मल एतमाद में लेकर उनका इलाज किया जा रहा है। अगर वो अभी तक उन्होंने हम पर कोई एतराज नहीं उठाया कि इलाज उनका ठीक नहीं हो रहा, इस हवाले से उन्होंने कहा कि हम मुतमिन हैं और जो जो भी उनको बीमारियां हैं तमाम स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स उन बीमारियों के उनका इलाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान के बेहतरीन जो डॉक्टर्स हैं इस वक्त उनको दस्तयाब है और नवाज शरीफ का इलाज इस वक्त मेडिकल बोर्ड के हवाले से आपसे जानना चाहूंगा कि मेडिकल बोर्ड की जो सरबराही है वो एमएस डॉक्टर सलीम जो कि सर्विसेज अस्पताल के एमएस हैं वो कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि प्लेटलेट्स की तादाद बहुत कम है, ये भी बताया कि प्लेटलेट्स कम होने की वजह क्या है, बोन मैरो का डिसफंक्शनल होना है या कोई और वजह बताई? जी एग्जैक्टली, बोन नैरो का डिसफंक्शन होना ही उन्होंने बताया, और उन्होंने ये भी बताया कि उनके प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं लेकिन अचानक से कम हो जाते हैं, तो उनकी जो बीमारी है उसको इलाज करने की कोशिशें तो इस वक्त जारी हैं। उन्होंने कहा कि जब उनसे रिपोर्ट मांगी गई तो जज तो मेडिकल बोर्ड के सरबराह की जानिब से ये मौकफ दिया गया कि क्योंकि 5 रोज जो कंप्लीट हो जाएंगे उनका इलाज को वो पीक होंगे, तो तब तक हम इस पोजीशन में होंगे कि इस अदालत को मुकम्मल उनकी जो सिचुएशन है, जो इंटरनल जो सिचुएशन है, उनकी जो बीमारियों की नौइयत है, हम 5 रोज के बाद बताने की पोजीशन में होंगे, तो मंडे को हम ये बता सकेंगे। तो जिसके बाद अदालत ने उनको एक दिन का मजीद वक्त दिया और उनका उन्हें कहा कि आप उनका पी तक इलाज करें और उसके बाद ट्यूजडे को एक तफसीली रिपोर्ट अदालत के सामने रखी जाए, क्योंकि हमें इस वक्त जो हमारे सामने जो केस है वो किसी की जान बचाने का केस है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा उनको इलाज की सहूलियात मुयसर ना हो जिनसे उनकी कोई जान को नुकसान पहुंच सके, तो इसलिए हम जानना चाहते हैं कि जो इनकी सिचुएशन है, बीमारी की जो नौइयत है वो किस किस्म की है। तो जिसके बाद ये तफसीली रिपोर्ट अदालत ने तलब की है और डॉक्टर्स को एक बार फिर एमएस सर्विसेज हॉस्पिटल उनको हदायत की गई है कि आप भी ट्यूसडे को यहाँ पर पेश हों, क्योंकि हम नहीं जानते कि ये मेडिकल की टर्मिनोलॉजी क्या होती है, इसलिए हमें आसान अल्फाज में आप आकर हमें समझाइए। और डॉक्टर अदनान जो नवाज शरीफ के जाती मालिज हैं उनको भी बुलाया गया है ताकि वो उनके जो खदशात हैं, क्योंकि ख्वाजा आरिफ ने कहा था कि डॉक्टर अदनान को खदशात हैं, उस हवाले से उन्हें भी सुन लिया जाए तो बेहतर होगा। जिसके बाद अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए डॉक्टर अदनान को भी तलब किया है और उन्हें हदायत की है कि वो इस हवाले से अपनी एक रिपोर्ट तैयार कर लें, या जो मेडिकल 9 रुकनी मेडिकल बोर्ड है वो अपनी रिपोर्ट तैयार करे, उसी के अंदर एक नोट डॉक्टर अदनान अपना भी शामिल कर दे ताकि हम उनकी बात भी सुन लें, उनके खदशात को भी समझ सकें, जिसके बाद हम आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे। जी सही, इस समाअत को मंगल 29 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया है। फयाज महमूद, इस हवाले से आप हमें तफसील अपडेट कर रहे थे, हुसैन अहमद आप हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हम खबर आपको दें कि नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से मेडिकल बोर्ड की मीटिंग शुरू हो गई है, नवाज शरीफ की सेहत का जायजा लिया जा रहा है, प्लेटलेट्स की ताज़ा रिपोर्ट भी सामने रखी गई है। प्रोफेसर महमूद अयास की ज़ेर सरबराही इजलास में डॉक्टर ताहिर शमसी, डॉक्टर अदनान, डॉक्टर मोना अजीज, डॉक्टर फातिमा खानम समेत दीगर भी शरीक हैं। शकील सईद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। शकील बताइएगा, मेडिकल बोर्ड की अब तक की फाइंडिंग्स क्या सामने आई हैं? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट की हदायत पर जो है मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है। मेडिकल बोर्ड जो है वो मियां नवाज शरीफ की तबीयत के हवाले से, उनके इलाज के हवाले से तमाम सूरत हाल का जायजा ले रही है। इनके दोबारा से टेस्ट किए गए हैं, उस रिपोर्ट को भी वो सामने रखा गया है। अभी जो है रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद इस हवाले से मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करके हाईकोर्ट में पेश की जाएगी। हाईकोर्ट की हदायत पर जो है डॉक्टर अयाज महमूद जो है वो अदालत में पेश हुए थे और अदालत ने हदायत की थी कि इनका मुकम्मल तिब्बी मुआयना करके मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो 1 बजे अदालत में पेश की जाए, जिस पर हंगामी तौर पर जो है दोबारा टेस्ट किए गए हैं और टेस्ट रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद 1 बजे वो रिपोर्ट जो है दोबारा हाईकोर्ट में पेश की जाएगी। जी शकील, जैसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अभी समाअत चल रही है और वहाँ पर जो एमएस सर्विसेज हॉस्पिटल की जानिब से रिपोर्ट जमा करवाई गई उसमें नवाज शरीफ की हालत तशवीशनाक बताई गई है, लेकिन ये जो मेडिकल बोर्ड है डॉक्टर ताहिर इसमें कहते हैं कि रिकवरी हो जाएगी और 4 से 5 दिन में रिकवरी हो जाएगी।
जी बिल्कुल, डॉक्टर एयाज महमूद ने भी यही बात की थी कि हम इस वक्त इनको खून पतला करने वाली मेडिसिन नहीं दे सकते, अगर उनको ये मेडिसिन दी गई तो हार्ट अटैक का खर्चा है, ताहम इनकी रिकवरी के जो है वो है इम्कान है, ये काबिले इलाज है और इस चीज का जायजा लिया जा रहा है। नवाज शरीफ का अभी भी इलाज जो है वो जारी है और डॉक्टर अयाज महमूद का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ की मर्ज की तशखीस जो है वो की जा रही है, अभी तक हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स तेजी से खत्म हुए, एक तरफ लगाए जाते हैं तो 24 घंटों में खत्म हो जाते हैं। अदालती इस्तेफार पर डॉक्टर अयाज महमूद ने बताया था कि दिन में 3 मरतबा मेडिकल चेकअप जो है वो किया जाता है, शुगर, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, दिल के आजा समेत तिब्बी पेचीदगियां हैं, इसके लिए भी मजीद एहतियात जो है वो बरती जा रही है और खून पतला करने के हवाले से अगर उनको मेडिसिन दी जाती है तो वो उससे हार्ट अटैक का खर्चा है, जिस पर अदालत ने उनको हदायत की कि आप एक इनके दोबारा जो है वो तिब्बी मुआयना करें, टेस्ट करें और इस हवाले से मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो बोर्ड की मशावरत से एक रिपोर्ट तैयार करें और रिपोर्ट तैयार करके अदालत में जो है 1 बजे तक पेश करें। इसी पर जो है वो बोर्ड की दोबारा मीटिंग हुई और जो मीटिंग अभी जारी है और मीटिंग में दोबारा टेस्ट करके इस चीज का जायजा लिया जा रहा है और वो रिपोर्ट तैयार करके अदालत में पेश की जाएगी। लाहौर हाईकोर्ट की हिदायत पर मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है, ये मेडिकल बोर्ड जायजा ले रहा है। शकील सईद, आपसे मजीद तफसीलात भी लेंगे, अब तक के लिए आपका शुक्रिया।